नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल देखे। दोस्तों मकर संक्रांति जैसे ही नज़दीक आ रही है ना, आप लोगों के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, मैंने भी देखा है। और आज आप लोगों के सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा कि कौन सी डोर कब उड़ाएं और कौन सी पतंग के साथ। ये देखें, मैंने सभी डोरें रख दी दोस्तों। ये 123 है, ये 8400 है, ये त्रिशूल है, ये C28 है, ये नौ तार है, ये 24 कैरेट है, ये ग्रीफिन पांडा है नौ तार में, ये 12 तार की सद्दी बनवा रखी है। तो आप लोगों को सारे डाउट आज क्लियर करेंगे कि कौन से मौसम में कौन सी उड़ाए। देखिए दोस्तों, नमी का मौसम चल रहा है अभी, तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस मौसम में स्मूथ और अभी की बनी हुई डोर मत लेना किसी से भी, इस मौसम की बनी हुई, क्योंकि मौसम नमी का है, डोर सूखेगी नहीं, रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि आपके आसपास चाइनीज मांजा अगर उड़ता है तो पॉसिबल दोस्तों नहीं रहेगा कि वो उसको काट पाए, क्योंकि ताज़ी डोर है, रिजल्ट बहुत कम मुश्किल से मिलेगा। हाँ, अगर वो केमिकल की बनी होगी तो अलग बात हो जाएगी। ये सारी रखी हुई डोरें हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले कौन सी किससे मजबूत है। देखिए दोस्तों, ये मेरी 123 की डोर थी, ठीक है। ये मैंने थोड़ी चढ़ी हुई बनवाई थी, गर्मी के मौसम के लिए है। अगर कोई बोले कि मैं इसको सर्दी में नहीं लड़ाऊँगा, लड़ाऊँगा तो कब लड़ाऊँगा, जब हवा चले और थोड़ी सी धूप निकले तभी मैं इसको लड़ाऊँगा दोस्तों, इस वाली डोर को। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए, आप लोगों को पहले भी दिखाई हुई है मैंने। ये देखिए, ये मेरी 123 की है, ब्लैक कलर पे, छत के हिसाब से बनवाई थी दोस्तों मैंने। आज चढ़ी हुई डोर है, पूरी चढ़ी हुई, जो कहते हैं ना बढ़िया 123 पे चढ़वा के 12 रील के चरखे पे, ये मान के चलो बाहर निकल के भाग रही थी ये वाली डोर। अभी यहाँ से डोर देखिए आप लोग, बिल्कुल ये देखिए कितनी चढ़ी हुई है, चढ़ी डोर है बिल्कुल, या पचोरा कह सकते हैं आप लोग इसको। बढ़िया से तेज़ धार में, पूरी तेज़ नहीं है, गोल धार में दोस्तों, ये गोल धार की डोर है ये वाली, ये 123। इससे मजबूत होता है दोस्तों चार तार, 123 से मजबूत होता है चार तार, फिर चार तार से मजबूत होता है आपका छः तार रॉकेट, फिर आ जाता है 8400 और ये त्रिशूल। बात करते हैं इस पे 8400 पे, देखिए जो ये 8400 है, ये है हमारे निजाम भाई का, बहुत ही बेहतरीन डोर बनाते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताई है। ये बिल्कुल जैसा इनका नाम है, मैंने पहले भी इनकी वीडियो डाली हुई है, खोखा ड्रैगन के नाम से इनका ब्लॉग आता है, खोखा ड्रैगन, जैसा इनका नाम है वैसे इनकी डोर होती है दोस्तों। बिल्कुल जिस जो ये मैंने बनवाई थी ना, बिल्कुल सर्दी के मौसम के लिए बनवाई थी, अब ये रेडी हो चुके हैं बिल्कुल सर्दी के मौसम के लिए, बिल्कुल तेज़ कांटे में, बहुत बेहतरीन कांटा है दोस्तों, एक नंबर की डोर हो रखी है ये वाली, इतनी ज़बरदस्त कांटा बना रखा है इसमें, बिल्कुल बरेली लोयन की बराबर की डोर है, जैसे उसमें है ना बरेली लोयन में जितना तेज़ कांटा वैसा ही कांटा है इसका भी, बिल्कुल वैसा ही। और अब ये देखिए, ये और जो त्रिशूल है इसमें से कौन सी मजबूत रहेगी, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है त्रिशूल की, त्रिशूल की देखिए दो तरीके की डोर आती है दोस्तों, ये पुराने वाली डोर है, एक नई वाली आती है। जो पुराने वाली थी वो सर्दी में थोड़ी सी नमी ज़्यादा पकड़ती थी, तो जिस भाई के पास पुरानी है तो वो मत यूज़ कीजिएगा। जो नई वाली त्रिशूल की आ रखी है वो आँख मीच के यूज़ कीजिएगा, पर रखी हुई डोर, ताज़ी डोर तो मैं भी मना करूँगा, जैसे ये मेरे पास रखी हुई है पर मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये नमी पकड़ती है, ये पुरानी वाली डोर। ये देखिए मजबूती की बात करें कि 8400 मजबूत है या ये मजबूत है, देखिए ये मैंने ऐसे गांठ मारी, ये दोनों, ये 8400 है दोस्तों, ये त्रिशूल का धागा है, ये मैंने ऐसे गांठ मारी ऐसे, और ये देखिए, और ये देखिए 8400 टूट गया, त्रिशूल नहीं टूटा। मैं एक बार फिर बांध देता हूँ, ये देखिए ये बांधा मैंने और ये फिर टूट गया, अब 8400 तोड़ ले गया। अब दोबारा से बांध के देखते हैं एक बार और, ये मैंने बांध दी यहाँ पे इस तरीके से ज़ोर से, और कौन सा टूटेगा अब देखिए यहाँ से, अब फिर 8400 टूट गया। देखिए स्ट्रेंथ के मामले में दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, त्रिशूल भी और ये आपका ये भी, ये हमारे मुन्ना भैया की है, किंग ऑफ किंग हैदर अब्बास की दोस्तों, इनकी बहुत बेहतरीन डोर है, इनकी भी आप लोगों को पता ही है। छत के मामले में मैं छत के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों के, कौन सी यूज़ करें कौन सी नहीं यूज़ करनी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो जैसे ये कांटेदार डोर है ये वाली,
इस तरह की डोर यूज़ करना है। जैसे ये है कांटे वाली, वो कांटे वाली नहीं थी मेरी दोस्तों, 1-2-3 की स्मूथ ये गोलधार पे थी। ये तब यूज़ करिएगा जब आप धूप निकले। अब आ जाते हैं C28 पे। ये भी मैंने आप लोगों को काफ़ी दिखाई है, YKC की 11926 है C28 पे। C28 इन दोनों से, इन सभी से मजबूत है। 1-2-3 8400 त्रिशूल 8800 उनसे मजबूत है C28। ये वाला मजबूत होता है। YKC की दोस्तों ना ही लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत शिकायत है इनकी डोरों में। मैं तो खुद यूज़ कर चुका हूँ, वीडियो भी डाली हुई है, आपकी मर्जी है लो या मत लो। अब आते हैं दोस्तों 9 तार पे। ये देखिए ये किसकी डोर है, आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, और इनकी स्टॉक मेरे पास हमेशा रहेगी दोस्तों। एक चरखी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, या तो 1-2-3 मिलेगी या आपको 9 तार की मिलेगी ही मिलेगी। साइलेंट किलर हमारे मन्नू भाई का, ये वाला मन्नू मांझा मेकर है, ये 9 तार है दोस्तों। देखिए डोर बिल्कुल बेहतरीन है, बादामी कलर है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से निकल के आ गई डोर, इतनी बाहर निकली हुई है। अभी आपको कुछ, चलो मैं खोल के ही दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए कितनी बेहतरीन है, और देखिए ये बेहतरीन दोस्तों डोर। देखिए ये 9 तार में है दोस्तों, और चरखी से बाहर देखिए पहले कितनी ऊपर तक आई हुई है। देखिए डोर, देखिए कितनी चरखी से ऊपर है। और इसकी मैं डोर की बात करूँ दोस्तों, कितनी तेज़ धार है, बहुत ही तेज़ धार है दोस्तों, बहुत ही तेज धार तेज़ है दोस्तों। इसमें कांटा नहीं लगेगा आपको, अगर आप छोगे नहीं आपको इसमें कांटा नहीं लगेगा, आपको इसमें धार फील होगी। बहुत बेहतरीन कांटा है दोस्तों इसके, बहुत बढ़िया डोर है, अभी की बनी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो। बात करें मसाले की, देखिए मैं यहाँ से कितना उतरता है कितना नहीं उतरता, रगड़ के दिखाता हूँ। मैंने रगड़ा, कितना मसाला उतरा आप देखिए, बिल्कुल ज़रा सा। ताज़ी डोर है, फिर यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ से भी रगड़ा मैंने, और ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा उतरा है, ना मात्र ही है दोस्तों ज़रा सा। मसाला कम उतरेगा तो पेज ज़्यादा काट पाओगे और अच्छे काट पाओगे। अच्छा कई लोग पूछेंगे दोस्तों कि ये रोहित भाई, ये पांडा जो है मन्नू भाई का, ये कहाँ से मिलेगा हमें। देखिए दोस्तों इसकी जो फ्रेंचाइजी है इस पांडा मांझे की, वो गुजरात के परिमल भाई के पास गई हुई है, उन्हीं के पास मिलता है ये पांडा। क्योंकि अगर आप इनको कॉल भी करोगे ना मेकर को, तो आपको पांडा नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप परिमल भाई से लो, गुजरात वाले से, क्योंकि फ्रेंचाइजी उन्हीं के पास है इनकी पांडा मांझे की, ठीक है। और अभी इसको बाद में पैक करेंगे, पहले इसको रखते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस पे। ये भी दोस्तों हमारे निज़ाम भाई का ही है, ये देखिए आप लोगों को दिखा चुके हैं, ये भी हमारे निज़ाम भाई का ही है। अब निज़ाम भाई का कौन से वाला है वो दिखाता हूँ, ये चैम्पियन पे है, और धागा कौन सा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। 24 कैरेट तिलस्मी, ये 24 कैरेट, ये भी 10 रील में है। ये दोस्तों रखी हुई डोर है, ये अभी इस मौसम के लिए बहुत बढ़िया हो गई है, क्योंकि ये 1 साल पुरानी हो चुकी है डोर, इस मौसम में बहुत बेहतरीन लड़ जाएगी ये वाली डोर। अब बात करते हैं दोस्तों 9 तार मजबूत है या ये 24 कैरेट मजबूत है, और ये भी काफ़ी मजबूत डोर है। इसमें काट ज़्यादा होती है, इस वाले धागे में काट कम होती है, जैसे 8400 में काट ज़्यादा होती है, त्रिशूल में काट कम होती है, तो उसमें धार अलग से निकल के आएगी। इसके बाद आता है दोस्तों ग्रीफिन पांडा, ये ग्रीफिन पांडा है, ये 9 तार है, ये आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी। ये जो ग्रीफिन पांडा है दोस्तों, ये मजबूत होता है इस वाले पांडा से, नॉर्मल पांडा से, और इससे, इन दोनों से ये मजबूत होता है ये ग्रीफिन पांडा, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत आता है। ये 12 रील की चरखी में सिर्फ 8 ही रील आ पाया, आप सोच सकते हो कितना मजबूत होगा। और ये है दोस्तों 12 तार, ये 12 तार के मैंने मंजू हुई सद्दी बनवा रखी है, मंजू हुई नहीं पेंट वाली, ताकि जब हम ये उल्टे बल के जो मांझे हम यूज़ करते दोस्तों ये वाले, तो इन पर देखिए ऐसे बांधने पर ना, तो हम सद्दी का यूज़ कर पाए, घूमे ना, ये देखिए ठीक है, तो ये घूमे ना, इस तरीके से मैंने ये सद्दी के लिए बनवा रखे स्पेशल। अब जैसे ये है, इसमें घूम रही थी, एक बार इस पर मैं बांध के देख लेता हूँ, इस पर घूम तो नहीं रही है, अगर घूमेगी तो कुछ गड़बड़ है। ये देखिए ये घूम रही है, यानी बल मैच नहीं कर रहे इनके,
देखिए दोस्तों, ये कोई और ही पांडा आ गया है पक्का। इसको ना अंदर बड्डी बड़ी, ये देखिए दोस्तों ना, ये इससे बिल्कुल मैच है। ये देखिए, असल में ये मजबूत है दोस्तों, ये मजबूत नहीं है, ये कोई और धागा है जिससे बांधा हुआ है, वो कोई अलग ही धागा है। जो मांझे हैं देखिए, ये प्रॉपर नोतार है और इस नोतार से ये मजबूत है 24 कैरेट। ये देखिए, जाहिर सी बात है 12 तार तोड़ ले गया। और इसको बांध के देखते हैं अब, क्योंकि हमने वो उससे बांध रहे थे तो वो अलग ही धागा था। ये बांधा मैंने यहाँ पे, ये 9 तार है दोस्तों और ये 24 कैरेट 6 कोड है। ये देखिए, ये 6 कोड इसे भी तोड़ ले गया, तो ये मजबूत है, ये नहीं। ये जो धागा ये लपेटा गया था, ये कोई और ही धागा है दोस्तों, या तो कोई सद्दी वगैरह है ये कुछ, क्योंकि ये है ना अलग ही है। इसकी मजबूती काफ़ी तेज़ है इस वाले की, जैसे 4 नंबर की सद्दी होती है ना अपनी, 4 और 5 5 नंबर की सद्दी, उस टाइप में है ये। अब बात करते हैं दोस्तों पतंगों की। देखिए दोस्तों, पतंगों में ये साइज़ आते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि छतों से, देखिए पहला आता है मंझोली, ये वाला साइज़ होता है मंझोली। तो जो भाई मंझोली उड़ाते हैं छोटे पेज के लिए, उनके लिए कौन सी डोर सही रहेगी? तो देखिए दोस्तों, मंझोली के लिए 1 2 3 8400 और त्रिशूल 4 तार और 6 तार रॉकेट, इस पर ये उड़ाइएगा ये वाली पतंग। अगर आपके पास चाइनीज़ मांझा ज़्यादा उड़ता है तो आपको कौन सी उड़ानी है, तो आप या तो 4 तार या 6 तार रॉकेट या 8400 या त्रिशूल, ये चीज़ ले सकते हो। अगर आप छोटी पतंग उड़ा रहे हो ये वाली मंझोली, अगर आप दोस्तों अधी उड़ा रहे हो ये वाली अधी, और आप 100 मीटर या 200 मीटर पे ही पेच कर रहे हो खींचतान के, अगर आपके पास ज़्यादा पतंगें उड़ती है कि आपके आगे वाली पतंग से पेच करना जा रहे हो लेकिन आपके पेच हो रहे हैं आपके पड़ोस वाली से, तो आप C28 या 9 तार यूज़ कर सकते हो इस पर। फिर आती दोस्तों हमारी टूर्नामेंट वाली पौनी। जाहिर सी बात है दोस्तों, टूर्नामेंट वाली बहुत लोग कम अफोर्ड करते हैं क्योंकि ये बढ़िया चलती है। इसमें तो हम, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये वाला 9 तार, ये C28, इनमें तो कोई भी बांध लो, जो भी आपको मर्जी हो, जिसके पास भी जो डोर है ना वो बांध लेना। पर अगर आपके आसपास चाइनीज़ मांझा ज़्यादा उड़ रहा है तो आप 9 तार ही खरीदना, या 8400 खरीद रहे हो तो ऐसी डोर खरीदना 8400 जिसमें बहुत सारा काटा हो, बढ़िया तेज़ काटे वाली। 1 2 3 टूटेगी दोस्तों, क्योंकि नमी का मौसम है, जल्दी नमी पकड़ेगी। त्रिशूल की भी नमी जल्दी पकड़ेगी, पुरानी वाली, नई वाली में अभी आई नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकल पतंगों, ये थी थोड़ी ब्रांडेड, ताकि ब्रांडेड किसी से उड़ जाती है। लोकल मतलब ये, जैसे ये अद्दी है लोकल में, ये लोकल में होती है दोस्तों, इसके कमांड 36 नहीं होते। ये देखिए तीला पेंट होता है, ये लोकल होती है, ये मान के चलो 450 रुपये की 100 ये आती है। आपके एरिया में इसी को 650 रुपये की 100 या 100 का, वो 100 रुपये का पैकेट मिल देते हैं जिसमें 8 पतंगें होती है ये वाली। इससे कौन कौन सी उड़ाओगे? 6 तार रॉकेट, 1 2 3 भी उड़ा सकते हो, 1 2 3 ये सारी पतंगें इनसे उड़ जाएगी, 1 2 3 से 8400 से इनसे। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर आपके पास 9 तार है, अगर आप इससे बांधोगे, इससे ये पतंग बांधोगे, उड़ तो जाएगी पर ये झोल ज़्यादा लेगी, ये वाली पतंग मंझोली दोस्तों। अगर आपके पास छोटे एरिया में पेच हो रहे हैं तो आप मंझोली बांधो और कोई भी C28 या 8400 बांध सकते हो, तो आपको रिजल्ट अच्छा देगी मंझोली पतंग। अगर आपके पास सिर्फ पांडा मांझा है, पांडा मांझे से मतलब मेरा 9 तार से, 9 तार है, C28 है या रॉकेट डोर है या 4 तार है, ये जो पोनी पतंग है दोस्तों ये सबसे उड़ जाएगी। लोकल पोनी जिसे बोलते हैं, ये लोकल पोनी होती है दोस्तों, ये होते हैं लोकल पोनी। अगर आप इस लोकल पोनी को, जो हमारा 1 2 3 होता है ना, इससे उड़ाओगे तो ये तोड़ ले जाएगी इसको, क्योंकि ये इसमें जो कमांड हड्डे उसकी शेप ऐसे ही चिपका दिए जाते हैं, प्रॉपर छिलाई नहीं करते। जो हमारी टूर्नामेंट साइज की पतंग होती है ना पोनी, ये वाली, इसको प्रॉपर बैलेंस करके बनाया जाता है ताकि वो तोड़ के ना ले जाए 1 2 3 को। और कन्ने तो आप जाहिर सी बात, जैसे बांधोगे उस हिसाब से, अगर आप कन्ने इस पर भी छोटे बांधोगे तो 1 2 3 भी चल जाएगी, अगर पूरे बांधोगे तो 1 2 3 नहीं चलेगी। इस पतंग के लिए दोस्तों, जो आप लोकल में पोनी उड़ाते हो, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा बढ़िया रिजल्ट के लिए, अगर आपके पास चाइनीज़ मांझा ज़्यादा उड़ रहा तो आप 9 तार, ये 9 तार ही इस सेगमेंट को छोड़ दीजिए, 8400 1 2 3 इस सेगमेंट में घुस जाइए।
पोनी पतंग उड़ा रहे हो तो आप नौ तार, ये सभी नौ तार से ये वाली पतंगें उड़ेंगी दोस्तों बढ़िया रिजल्ट के लिए आसपास में। अगर फिर आप आते हैं तुक्कल पे या एक तावा डेढ़ तावा, तुक्कल दे के दोस्तों नौ तार को भी तोड़ ले जाएगी। ये लो चोर साइज तुक्कल होती है दोस्तों, ये हमारी चोर साइज तुक्कल है, ये इसको भी तोड़ नौ तार को तोड़ ले जाएगी। इससे हमने उड़ा के देखी थी, ये थोड़ी देर स्ट्रगल किया पर ये भी टूट जाता है। ग्रिफिन पांडा बच गया था, ग्रिफिन पांडा उड़ा लेता है आराम से, 12 तार भी उड़ा लेता है, C28 भी टूट जाता है, ये भी टूट जाएगा दोस्तों। चोर साइज का हवा अच्छी हुई तो, अगर हवा नहीं है तो फिर तो कहाँ से टूटेगी, फिर नहीं टूटेगी। ठीक है दोस्तों, फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का हमें कमेंट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। देखिए दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, नमी का मौसम है, डोर कैसी चाहिए, स्मूथ बिल्कुल मत लेना, हाथ लगाए डोर में काटा हो बढ़िया तो ही लेना, वही डोर अभी चाइनी मांगे को काट पाएगी। क्योंकि ये देखिए कॉटन है दोस्तों, अगर आप बाहर कपड़े भी डालोगे ना वो भी नमी पकड़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है। तो जब तक स्मूथ डोर है, अगर चाइनीज मांझे के ख़िलाफ़ आप स्मूथ डोर यूज़ करोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी, 1-2-3 की तो बिल्कुल नहीं दे पाएगी, मैं साफ कहता हूँ। ये मैं किसी की रटी रटाई बातें नहीं बोलता, मैंने उड़ाई है, एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों का, देखी है, जो जो चीज़ें कमी लगती हैं उनको बताता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर यही मौसम गर्मी का होता ना तो 1-2-3 हवा के हिसाब से पतंग और मांझा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हवा अगर होती तो आप ढील पर ही पेच लड़ा सकते थे, अभी हवा कम चलेगी, धूप नहीं निकलेगी, तो जाहिर सी दोस्तों छोटे छोटे पेच होंगे और खींचतान के पेच होंगे, तो उसमें आपको नौ तार या C28 8400 भी काफ़ी अच्छी डोर है, पर वो लेना 8400 दोस्तों जिसमें बहुत तेज़ काटा हो। 8400 ले रहे हो तो ऐसी लेना जो बिल्कुल कांटेदार हो, बाकी आप लोग अपनी फेस्टिवल इंजॉय करो, जिसको जैसी मर्जी जिसका जैसा मन हो वैसी लेना। ठीक है, बाकी सब अपने अपने हिसाब से उड़ाते ही हैं, ये लोकल पतंगे हमारी रही। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।